चलो बच्चों, आज हम क्या देखने वाले हैं? आज हम देखेंगे डिफरेंशिएशन का पार्ट टू। पार्ट वन में हमने देख लिया बेसिक बेसिक डिफरेंशिएशन, हमने समझ ली, हमें सारे आ गए, हमने टेस्ट भी दे दिया। हाँ, हमने टेस्ट भी दे दिया बच्चों। अब क्या करें, अब क्या करें, पार्ट टू की ओर बढ़ते हैं। पार्ट टू में क्या देखने वाले हैं? कुछ रूल्स रूल्स जो हैं पहले देखे हैं, वही कंटिन्यू हो रहे हैं। यहाँ पे आज पहले हम स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन रूल। मल्टीप्लिकेशन रूल देखो, समझो मल्टीप्लिकेशन रूल क्या है। तो डी बाई डी एक्स यू इंटू वी। बच्चों आप सोचोगे सर ये यूवी क्या है, तो यूवी यानी युवराज सिंह नहीं है। यहाँ पे यू एक फंक्शन है और वी भी एक फंक्शन है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको ऐसे दिया होता बच्चों, ई रेस टू एक्स इंटू साइन एक्स, इसका डिफरेंशिएशन करो, तो ये एग्जाम्पल है। इसका सॉल्यूशन क्या आएगा वो आपको सोचना है। तो e रेस टू x का e रेस टू x आएगा, साइन का cos आएगा, ये आपको पता है। पर दोनों इकट्ठा है तो ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे एक रूल लगेगा और रूल लगाना है तो कैसे, देखो। यानी u मान लो e रेस टू x है, v मान लो साइन x है, यानी ऐसे दो फंक्शन जो x पे डिपेंड करते हैं और एक दूसरे के साथ कौन से वे में कनेक्टेड है, मल्टीप्लीकेशन। तो रूल क्या है बच्चों? रूल ये है, समझो ध्यान से, समझो ध्यान से, u को छोड़ दो, v को तोड़ दो, प्लस u को तोड़ दो, v को छोड़ दो। बस सिर्फ सिंपल तोड़ना और छोड़ना है। पहले u को छोड़ दो, v को तोड़ दो। तोड़ दो का मतलब डिफरेंशिएशन। फिर u को तोड़ दो और v को छोड़ दो। समझे में आया? हाँ के ना, एक को छोड़ो दूसरे को तोड़ो, पहले को छोड़ो दूसरे को तोड़ो, प्लस पहले को तोड़ो तो दूसरे को छोड़ो। तोड़ना और छोड़ना, समझ में आया? पहले ये बताओ, हाँ के ना, दिस इज द रूल, दिस इज द रूल, ये रूल बनाए। हाँ यस, बस ये याद रखना। आइए तो इसको अब रूल को हम अप्लाई करना सीख लेते हैं। अप्लाई करना बहुत जरूरी है। एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं पहला, वो भी कर देते हैं। चलो पहले यही कर देते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। आओ तो देखो, इसको हम मान लेते हैं बच्चों यू और इसको मान लेते हैं वी, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इसको यू मानो, इसको वी, इसको यू मानो, इसको वी, कोई फर्क नहीं पैंदा। की फर्क पैंदा भाई, कुछ फर्क नहीं पैंदा। क्यों नहीं पैंदा? बिकॉज 5 इंटू 3 15 होते हैं, तो 3 इंटू 5 भी 15 ही होंगे। दोनों की बात तो एक ही है। चलो अब u को छोड़ दो, यानी e रेस टू x को छोड़ दो, साइन का cos x हो जाएगा। डायरेक्ट लिखे ना बच्चों, डायरेक्ट लिखता हूँ, समझ सकते हो, साइन का cos हो गया। अब साइन को छोड़ दो, u का डिफरेंशिएशन करो, तो साइन x एज इट इज, u का डिफरेंशिएशन, u क्या है, e रेस टू x, उसका डिफरेंशिएशन e रेस टू x ही होगा। इसको सिंपलीफाई कर सकते हो, e रेस टू x इज कॉमन, cos x प्लस sin x। आया समझ में के नहीं? बोलो हाँ के ना। पहले को छोड़ दिया, दूसरे को तोड़ दिया, दूसरे को छोड़ दिया, पहले को तोड़ दिया, पर e रेस टू x का डिफरेंशिएशन वही होता है, इसीलिए हमें एज इट इज लिखना रहता। आइए बच्चों इधर एक और एग्जांपल बताता हूँ। x रेस टू 5 इंटू साइन या कॉस रखते हैं, तो कॉस कॉस x, ये दोनों अलग अलग फंक्शन है, दोनों अलग अलग फंक्शन है कि नहीं? x रेस टू 5 एक फंक्शन है, कॉस x एक फंक्शन है। x रेस टू ब्लर हो रहा है, रुको बच्चों जस्ट अ सेकेंड, अभी क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। इंटरनेट स्पीड वेरी हो रही इसलिए ऐसा हो रहा है। अच्छा चलो, दिख रहा है, क्लियर, ओके। अब इसमें क्या करना है, x रेस टू 5 इंटू कॉस x है बच्चों, तो वही रूल है, पहले को छोड़ दो,
दूसरे को तोड़ो तो माइनस साइन एक्स। एक और अपना याद है ना, कॉस का माइनस साइन भी हुआ क्योंकि क्वेश्चन में सी है, आंसर में माइनस आएगा। प्लस पहले को तोड़ो फाइव एक्स फोर इंटू दूसरे को छोड़ दो कॉस एक्स। आया समझ में सब? हाँ के ना बच्चे, क्लियर? एक और एग्जांपल देखते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं बच्चों। e raised to x upon x square यहाँ पे आप क्या करोगे? डिवीजन रूल लगाओगे या मल्टीप्लिकेशन, दोनों रूल लग सकते हैं। इसको ऊपर लेके आ जाओ, इसको ऊपर लेके आ जाओ, काम हो जाएगा। आ जाओ e raised to x into x raised to minus d by dx, समझ में आया? तो क्या होगा? e raised to x as it is minus 2x raised to minus 3 plus, अब e raised to x का differentiation और x raised to minus 2, एकदम सिंपल बच्चों, बढ़िया बच्चों, देखो समझो, बिल्कुल सिंपल लॉजिक चल रहा है, कुछ ज्यादा नहीं लगाना है। आपको ये समझना है, पहले को छोड़ो दूसरे को तोड़ो, दूसरे को छोड़ो पहले को तोड़ो। हाँ, जोड़ना तोड़ना छोड़ना सिखा रहा हूँ। आया समझ में? एक और एग्जांपल करते हैं बच्चों। d by dx of x raised to 3 log आया, घबराना नहीं, log x घबराना नहीं है बच्चों, कुछ भी घबराने वाली इसमें बात नहीं है। पहले को छोड़ो दूसरे को तोड़ो, पहले को छोड़ा दूसरे को तोड़ा, प्लस पहले को तोड़ो दूसरे को छोड़ो। अरे हाँ के ना, इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स स्क्वायर लॉग एक्स, समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? एक्स क्यूब अपॉन एक्स बिकम्स वन, ए एक्स क्यूब अपॉन एक्स वन तो बिकम्स एक्स स्क्वायर, समझ में आया कि नहीं? बोलो, मल्टीप्लिकेशन रूल में कोई डाउट है? कोई डाउट है? नहीं, कॉमन निकाल सकते बच्चों, कॉमन एक्स स्क्वायर आप निकालो चलेगा, नहीं निकालो ओके 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 ओके, बिल्कुल सिंपल है। पहले को छोड़ो दूसरे को तोड़ो, दूसरे को छोड़ो पहले को तोड़ो, समझ में आया? छोड़ना और तोड़ना, बस तोड़ना मतलब डिफरेंशिएशन। दिस इज अवर मल्टीप्लीकेशन रूल, खत्म पूरा भाई, ओवर। चलो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, विद इन 2 or 5 seconds, जल्दी से। डन ओके okay? अच्छा, अब मल्टीप्लीकेशन के बाद डिवीजन रूल की बात करते हैं मेरे बच्चों। डिवीजन क्या है? डिवीजन क्या करना है? यहां पे है डिवीजन रूल। अब डिवीजन का रूल ये है बच्चों, अगर मैंने ऐसे लिखा था बच्चों तो ई रेस टू एक्स है अपॉन साइन एक्स है, ऐसा कुछ होता है बच्चों? हाँ, ऐसा कुछ होता है एग्जांपल में, तो इसका डिवीजन रूल लगेगा। देखो समझो, हाँ क्या ना, यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा? डिवीजन रूल। कैसे लगता है देखते हैं। अगेन युवराज सिंह को बुलाइए, युवराज सिंह अब आए हैं डिवीजन में, पहले आए थे मल्टीप्लिकेशन में। अच्छा रूल समझो, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में स्क्वायर कर दो, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में स्क्वायर कर दो, फिर न्यूमेरेटर में उसको छोड़ दो, न्यूमेरेटर को तोड़ दो, माइनस डिनोमिनेटर को अब तोड़ना है, समझना है? आके ना, यू को छोड़ना है तो यू
डीवी बाई डी एक्स। समझ में आया? एक को छोड़ो, पर देखो ये धम समझना है, डिनोमिनेटर को छोड़ो, न्यूमेरेटर को तोड़ो, न्यूमेरेटर को छोड़ो, डिनोमिनेटर को तोड़ो, डिवीजन में डिनोमिनेटर का स्क्वायर रूल है। समझ में आया? यहां पे सब्ट्रैक्शन होगा, एडिशन नहीं। समझ में आया कि नहीं? फिर से एक बार देखो, डिनोमिनेटर का स्क्वायर करना है डिनोमिनेटर में, न्यूमेरेटर में एक को तोड़ो दूसरे को छोड़ो, पर माइनस बीच में करना है। बट पहले किसको छोड़ना है? डिनोमिनेटर को छोड़ो, न्यूमेरेटर को तोड़ो, न्यूमेरेटर को छोड़ो, डिनोमिनेटर को तोड़ दो। आया समझ में? दो चार बार याद कर लेना, ऑटोमेटिकली याद रह जाएगा। चलो अप्लाई करते हैं यहाँ पे तो ज्यादा क्लियर होगा। डिनोमिनेटर का स्क्वायर यानी साइन का स्क्वायर हो गया, साइन स्क्वायर एक्स, पक्का? उसको अब छोड़ दो और न्यूमेरेटर को तोड़ दो, माइनस, न्यूमेरेटर को छोड़ दो, डिनोमिनेटर को तोड़ दो। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? और खत्म। हाँ कहना, बोलो बच्चों, आया क्या नहीं? अरे हाँ, यस। एक और एग्जांपल लेते हैं, आइए, एक्स स्क्वायर अपॉन लॉग एक्स। अरे वापिस लॉग आ गया, घबराना नहीं है। तो क्या करना है? वही डिनोमिनेटर का स्क्वायर करो और इसको छोड़ो, इनटू न्यूमेरेटर का डिफरेंशिएशन 2x माइनस, न्यूमेरेटर को छोड़ो, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x। समझ में आया बच्चों के नहीं? अब यहाँ पे आप कट कर सकते हो, ये x बचेगा सिर्फ, इधर x x कॉमन आ जाएगा, जो आप करना चाहो सॉल्यूशन। हाँ के ना, बोलो समझ में आया? एक और एग्जांपल cos x अपॉन log x d by dx, डिवीजन रूल, इसका स्क्वायर करेंगे, log x का स्क्वायर, उसको छोड़ो अब, cos का माइनस साइन, माइनस cos को छोड़ो, log का 1 अपॉन x। बोलो आया? याद रखना है डिनोमिनेटर का, डिनोमिनेटर में स्क्वायर करना है, फिर न्यूमेरेटर में क्या लिखोगे? डिनोमिनेटर को छोड़ो, न्यूमेरेटर को तोड़ो, माइनस, न्यूमेरेटर को छोड़ो, डिनोमिनेटर को तोड़ो, वही मल्टीप्लिकेशन जैसा ही है, सिंपल। बोला आया समझ में? स्क्रीनशॉट लो बच्चों इसका, स्क्रीनशॉट लो। हाँ के ना? तो बच्चों अब हम एक और रूल की ओर चल रहे हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ एन इक्वेशन। जो अलजेब्रिक इक्वेशन होता है, जो इक्वेशन टाइप फॉर्म होता है, जैसे आप क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक ऐसा सब पढ़ चुके हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वगैरह वगैरह, उनका डिफरेंशिएशन कैसा होता है, तो थोड़ी सी कहानी सुनो। जो डिफरेंशिएशन बच्चों वो बेशरम है, उसको प्लस और माइनस के सामने कोई शर्म नहीं आती है, बेशरम है। समझ में आया? कैसा है? बेशरम। और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में उसको शर्म आती है, तो यहां पे हमें रूल लगाने पड़ते हैं, यहां पे हमें रूल लगाने पड़ते हैं, क्योंकि वो यहां पे शर्म आता है, बट यहाँ पे बेशरम बन जाता है, तो यहाँ पे कोई रूल नहीं है। समझ में आया? कहानी समझ में आई बच्चों? हाँ के ना? बोलो, क्लियर करो बच्चों। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में उसको शरम आती है, प्लस और माइनस में उसको कोई शरम नहीं आती है। यानी कि ये कैसा है? बेशरम। Differentiation is बेशरम for plus and minus. Differentiation is बेशरम for
प्लस एंड माइनस, यानी इसका मतलब क्या है तो आइए समझते हैं। एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं, कोई रूल नहीं है पर डिफरेंशिएशन ऑफ एन इक्वेशन कैसे करेंगे, ध्यान से समझो। डी बाई डी एक्स ऑफ, मैंने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन, सिंपल इक्वेशन से स्टार्ट करते हैं बच्चों। अब ये बेशरम, यानी ये डिफरेंशिएशन प्लस और माइनस, चलो यहाँ पे माइनस ले, इसके अंदर एंटर हो जाता है, इसके अंदर एंटर हो जाता है, उसको शर्म नहीं आती है कि मैं अंदर जाऊं के नहीं, तो अंदर एंटर होता है, एंटर हुआ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, ध्यान से समझिए, प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ टू एक्स, और जगह बना लेते हैं, घबराना नहीं है, प्लस माइनस माइनस डी वाई डी एक्स ऑफ वाई, आया समझ में। हम सोच रहे हैं तीन टर्म है कैसे करें, अरे भाई सबका अलग अलग कर, कोई शर्म नहीं, अंदर एंटर हो जाओ। एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x, इसका 2 और इसका 0, आंसर इज 2x प्लस 2, समझ में आया कि नहीं आया के नहीं, बिल्कुल सरल। अब एक स्मार्ट वर्क करेंगे, ये नहीं लिखेंगे, देखो डायरेक्टली डी वाई डी एक्स ऑफ टू एक्स क्यूब प्लस फाइव एक्स स्क्वायर माइनस थ्री, तो आंसर डायरेक्ट लिखेंगे इसका क्या होगा 6x² होगा, इसका क्या होगा 10 का दम होगा, और उसका होगा 0 माइनस 3, अकेला अकेला कांस्टेंट हो जाता है पकेला, और आंसर आ जाता है उसका थकेला पकेला 0, समझ में आया हाँ के ना, क्लियर के नहीं, अकेला कांस्टेंट डिफरेंशिएशन 0, हाँ के ना, समझ में आया नहीं है, नहीं है, आया आया आया, यस यस यस। एक और एग्जांपल, हाँ डी बाई डी एक्स, अच्छा अरे ऐसा हो तो एक्स स्क्वायर प्लस ई रेज टू एक्स हो तो बच्चों क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, 2x होगा प्लस ई रेज टू एक्स एज इट इज लिखा जाए, बोलो समझ में आया के नहीं, हाँ बिल्कुल सिंपल है, इसको कोई शर्म नहीं है, वो एडिशन सब्ट्रैक्शन में एंटर हो जाएगा, ठीक है, बस इसका स्क्रीनशॉट लगाओ। चलो बच्चों एक रूट वाला एग्जांपल की रिक्वेस्ट आई है, रिक्वेस्ट को हम एक्सेप्ट करते हैं, और डी बाई डी एक्स 1 प्लस रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स इज इक्वल्स टू करते हैं, हाँ के ना, बोलो बच्चों ऐसे को कैसे सॉल्व किया जाए, तो पहले इसको सिंपलीफाई किया जाए, सिंपलीफाई क्या होगा डी बाई डी एक्स 1 प्लस एक्स रेस टू 1/2 प्लस एक्स रेस टू माइनस 1/2, यस और नो, यस और नो, इस x का 1/2 पावर, इस x का भी 1/2 पर, इसको ऊपर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा -1/2, आप करो डिफरेंशिएशन, इसका 0 प्लस इसका 1/2 x^-1/2, इसका -1/2 x^-3/2, बोलो समझ में आया के नहीं, इसमें 1/2 आ गया है, एक पावर कम होगी तो आधे में से एक कम करो तो माइनस आधा बचेगा, -1/2 आ गया है भाई, -1/2 में से -1 करो यानी एडिशन हुआ ना, तो आधे में एक ऐड करो 3/2 पर नेगेटिव में, तो -3/2 इज अवर आंसर, बोलो बच्चों समझ में आया, जिसकी रिक्वेस्ट थी उसको समझ में आया कि नहीं, रूट वाला, रूट वाला आया, देखो रब्बा समझ में आया हाँ के ना, क्लियर। अब चलते हैं एक जबरदस्त लॉजिक पे, इतना जबरदस्त कि आपको
बांध के रखना पड़ेगा मन को, इतना जबरदस्त है, आपको मन को बांध के रखना पड़ेगा चेन से, कहीं भाग न जाए, ऐसा रूल है ये, इतना जबरदस्त है कि मन को आपको क्या करना पड़ेगा, बांध के रखना पड़ेगा। किस चीज से बांध के रखना पड़ेगा? चेन से, कि मन भाग न जाए, मन भाग न जाए। तो ये ऐसा है रूल जिसका नाम है चेन रूल। चेन रूल क्या है, आइए समझते हैं। कैसे समझेंगे, कैसे समझेंगे, समझो हाँ के ना। अब आपको दो तरह के एग्जाम्पल देता हूं, बस टाइम पास जैसा समझो, आपको समझ में आएगा ये गारंटी है बच्चों। दो एग्जाम्पल रियल लाइफ के देता हूं, रियल लाइफ के एग्जाम्पल दो देता हूं, आओ समझो। पहला एग्जाम्पल मैं देता हूं आपको कि भाई समझना है, आपका जो है लॉजिकल बात समझना है, जी नीट का जो एग्जाम है वो यहां पे आपको MBBS या IIT में जाना है। IIT सही से लिखना, ITI मत लिखना, इसमें जाना है तो आपको GNET करना है, और GNET अच्छे से करना है तो आपको PCM करना है या PCB करना है। समझ में आया, क्लियर? इसका मतलब क्या हुआ, आपका IIT MBBS GNET पे डिपेंड है और GNET PCM और PCB पे डिपेंड है, तो ये एक चेन बन गई बच्चों। क्या बनी? चेन। ये नोट करना, कई लोग बच्चे घर पे बायोलॉजी अकेला कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों वो इजी पड़ता है, मेहनत नहीं पड़ती है, मेहनत नहीं लगेगी, इसलिए बायोलॉजी करो। क्या है, रीड करना है, समझना है, रीड करना है, समझना नहीं भाई, समझना तो है इजी। हाँ, फिजिक्स में तो भाई बहुत टफ है। अरे भाई थोड़ा सा सोचो, अंदर शांति से बैठो, कितना सिंपल है, बहुत सिंपल है। अरे यार 1/3 क्या होता है, याद करो, 2/3 आप रट्टा लगाओगे, मैथ्स भी सिंपल है। अरे रट्टा नहीं, इसका डबल करो, कितना सिंपल, 3 का डबल 6 आता है ना, बहुत सिंपल है मैथ्स, उससे फिजिक्स भी बहुत सिंपल है। पर ऐसा मानो तो होगा, अगर नहीं मानो तो बिल्कुल नहीं होगा। आओ एक और एग्जांपल, चेन रूल तो समझ में आया कि नहीं? अब समझते हैं हम लोग फंक्शनल पे, भाई फंक्शन पे बात कर रहे हैं, ध्यान से समझना है। यहां पे हम 3 फंक्शन लेते हैं, वाई डिपेंड करता है एक्स पे और एक्स डिपेंड करता है टी पे, तो इसका मतलब y t पे डिपेंड करता है कि नहीं, समझ में आया? IIT और MBBS GNET पे डिपेंड करते हैं, GNET PCM और PCB पे डिपेंड करते हैं, तो IIT MBBS इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड करते हैं? PCM और PCB। क्लियर बच्चों, समझ में आया कि नहीं? चलो बच्चों अब समझते हैं के चेन रूल क्या है। देखो यहां पे हमने लिखा dy/dt, बट y तो x पे डिपेंड करता है, तो y का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन पॉसिबल है, और x t पे डिपेंड करता है, यानी x का t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन पॉसिबल है। ध्यान से समझो, dx/dt इज पॉसिबल, dy/dx इज पॉसिबल, बट dy/dt इज नॉट डायरेक्टली पॉसिबल। तो हियर वी हैव टू यूज वन चेन। अब इस चेन में देखो, आप इन दोनों को हटा दो और इसको मिला दो, इसको मिला दो, मिलानो नहीं मिला दो, तो dx कट हो गया, क्या आंसर आ गया? हाँ के ना बच्चों? तो प्रोसेस ये है कि हम लिखेंगे dy/dt इंटू करेंगे dx, ये तो समझ में आया ना,
किसी भी चीज के साथ आप एक मल्टीप्लाई है ऐसा मान सकते हो, किसी भी टर्म के साथ एक मल्टीप्लाई है ऐसा मान सकते हो, और एक की जगह आप dx by dx लिख सकते हो। दिखा, अब dy by dt is not possible but dy by dx is possible and dx by dt is possible, तो इस dt को उठा के इधर लेके आओ बच्चों, और dx को इधर लेके आओ, तो dy by dx into dx by dt, this is called chain rule। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, चेन रूल। y का x के रिस्पेक्ट में किया पर x का t के रिस्पेक्ट में रह गया, तो फिर से किया मल्टीप्लिकेशन, समझ में आया, y का t के रिस्पेक्ट में, यानी y का x के रिस्पेक्ट में किया और x का t के रिस्पेक्ट, समझ में आया बच्चों? हाँ क्लियर है, ओके, दिस इज कॉल्ड चेन रूल। अब इसके एग्जाम्पल्स करते हैं बच्चों, 2-3 मिनट में खत्म हो जाएंगे, सिंपल सिंपल है, बढ़िया बढ़िया मजा आएंगे। देखो अगर नहीं आएंगे तो 2 मिनट में फिर से 5-10-15 मिनट करेंगे, चिंता मत करो। डी बाई डी एक्स, ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, इसकी 5 पावर कर दी मैंने, तो यहाँ पे दो रूल इकट्ठा हो रहे हैं, यहाँ पे दो रूल इकट्ठा हो रहे हैं बच्चों, दो रूल इकट्ठा हो रहे हैं, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने लिखा है, अब इसमें दो रूल लगेंगे, देखो कि इसका एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, 2x का x हो जाएगा, ये हमें पता है, हाँ के ना, ये आप इस 2x की जगह मान लीजिए कुछ और लिखते हैं 5x, तो 5x का डिफरेंशिएशन 5 होगा, एक्स स्क्वायर का 2x होगा, बट उसकी पावर है 5, तो 5 पावर का आपको एक्सपांशन नहीं आता है, तो आप क्या कीजिए, रूल लगाइए, चेन रूल, पहले पावर रूल लगाइए, फिर इनका जो नॉर्मल रूल है वो मल्टीप्लिकेशन में लगाइए। तो इसका मेथड समझिए, समझ में आया, हाँ के ना, क्लियर, समझ में आ रहा है? रुको भाई, एक गाड़ी आ रही है, चलो बच्चों, अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे किया हमने, देखो 5 पावर को आगे लिखे, x2 प्लस 5x रेस टू 4 हो गया, बट ये जो अंदर टर्म है इसका डिफरेंशिएशन रह गया, इसका डिफरेंशिएशन रह गया, अब इसका कैसे करेंगे, तो मल्टीप्लिकेशन में चेन बनाओ और इसका फिर से कीजिए, सीखना है बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस 5x रेस टू 4 तो हमने किया था, अब इसका फिर से होगा एक्स स्क्वायर का 2x और प्लस 5x का 5 होगा, समझ में आया, ध्यान से समझो, फिर से 5 पावर है तो उसको पावर रूल लगाया, एक पावर कम हुई, पूरा ये फंक्शन है, इक्वेशन है, इसको एज इट इज लिख दो, ओके। अब देखो इसका हमने डिफरेंशिएशन नहीं किया, इसका मल्टीप्लीकेशन में फिर से करना है, सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस 5x, पावर का नहीं करना है, क्योंकि पावर का हमने ऑलरेडी यहाँ पे कर दिया, जब दो रूल इकट्ठा हो रहे हैं तब ऐसा करना है। अब एक्स स्क्वायर प्लस 5x का आपको पता है कि भाई डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर का 2x होगा प्लस 5x का 5 होगा, समझ में आया, इसको बोलते हैं चेन बनाना, इसको क्या बोलते हैं, चेन बनाना। आइए एक और एग्जांपल से समझते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ 5x³ + 3x² - 1, अब इसकी आपने कर दी 3 पावर कर दी, तो इसका डायरेक्टली डिफरेंशिएशन क्या होगा समझो, पहले पावर रूल लगेगा, 3 पावर आ गई, 5x³ + 3x² - 1 की कितनी पावर हो जाएगी, 2, एक कम हो जाएगी। अब इसका डिफरेंशिएशन हमने नहीं किया है, तो मल्टीप्लिकेशन में इसका फिर से करिए, तो आंसर आएगा 15x² + 6x, इसका 0 हो जाएगा, डायरेक्टली लिखा, डायरेक्टली लिखना है, क्योंकि आपको पता है बच्चों इसका क्या होना है, वो हमने डायरेक्टली लिख दिया, हाँ पर इसकी पावर है, इसलिए पहले कौन सा रूल लगाना है, पावर रूल, पहले क्या लगाना है, पावर रूल,
बोलो समझ में आया कि नहीं, क्लियर है कि नहीं? इसको बोलते हैं चेन बनाना। एक और बात आपको समझाता हूं, इसका लॉजिक देखो, हम ये ऑलरेडी कर चुके हैं। जैसे कि हमने एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन किया बच्चों एक्स के रिस्पेक्ट में, समझना है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन किया हमने एक्स के रिस्पेक्ट में, क्या आंसर आएगा बोलो, क्या बोलते हो आप, आंसर क्या बोलते हो बताओ, 2x, क्या बोलते हो 2x, बट एक्चुअली में उसका आंसर कैसे आता है ये देखो, 2x ही आया, बट पावर रूल, ये चेन रूल के हिसाब से x का फिर से करो तो dx by dx क्या हो जाएगा 1, तो आंसर क्या आएगा 2x। हाँ करते तो हैं पर लिखते नहीं है, यानी चेन रूल पहले से फॉलो हो रहा है बच्चों, बट यहाँ पे लिखा नहीं जाता क्योंकि वो डायरेक्टली आपको पता है ये वन होने वाला है, dx by dx, समझ में आया, क्लियर के नहीं? तो पहले पावर रूल लगाया और जो अंदर का टर्म है उसका डिफरेंशिएशन मल्टीप्लिकेशन में, उसके साथ मल्टीप्लिकेशन में फिर से करना है। बोलो पक्का हुआ? इसको बोलते हैं, हाँ इसको बोलते हैं चेन रूल। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? चेन रूल। इसमें एक रूट वाला भी बता देते हैं, आओ स्क्रीनशॉट ले लो इसका पहले, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, ओके एक रूट वाला मैं आपको बता देता हूं। देखो ऐसे हो बच्चों कि रूट ऑफ एक्स प्लस टू एक्स होल रेस टू थ्री, अब इसका डिफरेंशिएशन तो हमने सीखा ही नहीं ऐसा कुछ, तो वही बेसिक रूल है, बेसिक रूल है बच्चों समझना, पहले पावर रूल लगाओ, ये हो गया, अब इसका डिफरेंशिएशन बचा तो मल्टीप्लिकेशन में फिर इसका डिफरेंशिएशन होगा, इसका क्या होगा 1 बाई टू एक्स रेस टू माइनस 1 बाई टू प्लस 2, समझ में आया भाई? रूट एक्स का कैसे करोगे, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन आप एक्स रेस टू 1 बाई टू लिखोगे, सॉरी इसका सॉल्यूशन ऐसे पावर करोगे, फिर पावर रूल क्या होगा 1 बाई टू एक्स रेस टू 1 बाई टू में से 1 गया तो माइनस 1 बाई टू, इसलिए मैंने डायरेक्टली लिखा। बोलो समझ में आया, हाँ के ना, क्लियर कंसेप्ट पूरा।